नमस्कार दोस्तों, हम लोग जब पिछली बार मिले थे हमने बात की थी कम्युनिकेशन पर, हमने बात की थी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बारे में। इसी बीच में एक छोटा सा प्रश्न आता है सामने से, वो ये है इंग्लिश की आवश्यकता क्या है, इंग्लिश क्यों पढ़ें। NEP2 कहता है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं वो ये कहती हैं कि इंग्लिश एक मात्र एक सब्जेक्ट है, लेकिन मीडियम आप रीजनल या अपनी लैंग्वेज में रख सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है इंग्लिश क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। आपको जानकर बहुत खुशी मिलेगी कि इंग्लिश को फ्रैंका लिंगुआ कहा जाता है। फ्रैंका लिंगुआ मतलब एक ऐसी भाषा या एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा आप अपनी बातें शेयर करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश सीखो और हिंदी भूल जाओ, नहीं, हम सिर्फ बात बोलने की नहीं करते, इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश को समझना, फिर उसको बोलना, तीनों अलग अलग बातें हैं। अगर मैं आज के टाइम में ये बात बताऊं आप लोगों को, हम सबको पता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आएंगी, हमें पता है फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी, तो उस पर्पज़ के लिए इंग्लिश नेसेसरी है। क्यों? ताकि आपको नौकरियां मिल सकें। दूसरी चीज़, इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है ताकि जब बाहर से जो कंपनीज आ रही हैं, जो इनको हम MNCs बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, आप उसके अंदर में उनके लोगों से प्रॉपरली बातचीत कर सकें, आप उसके अंदर अपना एक स्टैंड ले सकें। अगली बात आती है, मैंने पहले ही बोला सिर्फ बोलने पर डिपेंड नहीं रहना है, इट इज़ अबाउट रीडिंग, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आपकी चीज़ को समझते कैसे हैं, जब आप उसको सुनते हैं आपका दिमाग उसे एनालाइज करता है तभी समझते हैं, नहीं तो आप नहीं समझते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपके सामने, मैं बोलूँ एप्पल, आपका ब्रेन, आपका माइंड सबसे पहले अपने अंदर छोटी सी इमेज बनाता है रेड कलर का एप्पल, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए फॉर एप्पल। वेयर एज अगर मैं आपके सामने एक वर्ड यूज़ करूँ एंजाइटी, आप सोच में पड़ जाएंगे एंजाइटी है क्या। क्यों? क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है, माइंड उस एंजाइटी को नहीं समझ पा रहा। उसी तरह से अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूँ, दो चीज़ें हैं, एक होता है हेल्प करना और एक होता है असिस्ट करना, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन आपको पता है हेल्प मदद है। क्यों? क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। वेयर एज असिस्ट इज अ सिनोनिम ऑफ हेल्प ओनली। इसीलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश की समझ इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बोलिए, या मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है, जो आपकी मदर टंग है, उसे भूलिए, नहीं। इंग्लिश एक ऐसा जरिया बनेगा जिसके अंदर आप अपने आप को दुनिया को दर्शा सकेंगे। दूसरी चीज़, आप अपने बारे में दुनिया को और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। अब आप एक चीज़ सोचिए, इटली एक कंट्री है, राइट? एक बहुत प्यारा सा कोट हम लोग सुनते और समझते हैं, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे, रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली। इटली में जो इंग्लिश बोली जाती है वो अलग है, US में, UK में जो इंग्लिश बोली जाती है वो अलग है। जब इटालियन लोग इंग्लिश में बात करते हैं उसके अंदर उनका इटालियन टच होता है। वेयरएज हम इंडियंस ये समझते हैं कि अगर हमें इंग्लिश बोलनी है तो या तो हम US जैसा बोलें या हम UK जैसा बोलें, और हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो अपना हिंदी का टच है वो आएगा ही आएगा। इसी चीज़ को दिमाग से हटाना है। क्या हमें बोलनी है इंग्लिश इंडियन अकॉर्डिंग्स में, ये नहीं कि हमें UK या US वालों की तरह बोलनी है, नहीं, हम बोल भी नहीं सकते, हम एक्सेंट कॉपी नहीं कर सकते। अगली चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, इंग्लिश जो हवा है ना वो सिर्फ आपके दिमाग का एक वहम है और कुछ नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम आपको 21 दिन में इंग्लिश सिखाएंगे, क्योंकि 21 दिन में इंग्लिश सिखाना एक मजाक है। क्यों? सीधी सी बात है, जब तक आप उस चीज़ को सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, आप बोल नहीं पाओगे। स्पीकिंग तो बहुत लास्ट में आता है, सबसे पहला आता है रीड, उससे पहले आता है लिसन। अब आप एक चीज़ सोचिए, छोटा बच्चा होता है, हम सबके घरों में है, हम उस बच्चे को नहीं बताते हिंदी कैसे बोलनी है, हिंदी में क्या बोलना है, पर फिर भी अगर आप उसके सामने बोलते हैं ना, बेटा वहाँ आग है, हाथ जल जाएगा, वो चीज़ गर्म है, वो चीज़ ठंडी है, फ़ोन है, वो कैसे समझता है? सबसे पहले उसको सुनकर। तो इंग्लिश सीखने आपसे पहला स्टेप है, आप उसे सुने। आप सॉन्ग सुन सकते हैं, आप स्पीचेस सुन सकते हैं, आप बहुत सारे YouTube पे ऐसे सीरीज़ हैं जो कि आपको इंग्लिश बहुत प्रॉपरली सिखा पाएंगी। दूसरी चीज़ है रीडिंग। अब बात आती है, सर पढ़ें क्या, हम रीड क्या कर सकते हैं? आप इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें रीड कर सकते हैं, आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स हैं, आपके अपने कोर्स से रिलेटेड किताबें हैं, प्लस आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स तक रीड कर सकते हैं।
अगली चीज़ आती है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग आती है प्रैक्टिस के बाद, बिना प्रैक्टिस के नहीं आती। तो ध्यान रखिएगा, जब तक आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उस चीज़ को ना समझ पाएंगे, ना आप उसको आगे बोल पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ एक छोटी सी चीज़ के साथ। इंग्लिश हवा नहीं है, इंग्लिश आपको आगे बढ़ाने के लिए है, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।